त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हुए जनपद पंचायत के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। उसी के चलते बागली विधानसभा, जो कि भाजपा का गढ़ मानी जाती है, जिसके अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत बागली में बुधवार के दिन जनपद अध्यक्ष के लिए निर्वाचन हुआ, जिसमें जनपद के 25 वार्ड में से 24 सदस्यों ने भाग लिया। निर्वाचन प्रक्रिया जनपद सभागृह में SDM शोभाराम सोलंकी और तहसीलदार विवेक सोनकर, हाटपिपलिया तहसीलदार सत्येंद्र बैरवा की उपस्थिति में पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को निर्वाचित हुए प्रमाण पत्र भी वितरण किए गए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। निश्चित ही बागली विधानसभा और हमारा ब्लॉक बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। इस कारण लगातार पांचवी बार बागली जनपद पर कांग्रेस पार्टी का परचम ले रहा है और सारे मतदाताओं के आशीर्वाद से। कितने वोट मिले कांग्रेस को? 24 मतदाता थे, 24 में से 14 हमको मिले, एक रिजेक्ट हुआ, वो भी हमारा ही था, और 9 वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।